नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्लैब ढलाई करने से पहले एक सिविल इंजीनियर को क्या क्या चेक करना चाहिए। देखिए, कोई भी सिविल इंजीनियर जब साइट पे जाता है तो साइट पे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से एक ड्राइंग मिलती है। इसको हम स्ट्रक्चर ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बोलते हैं। और इस ड्राइंग में बिल्डिंग के फाउंडेशन से लेकर बिल्डिंग के एक एक पार्ट की डिटेल दी गई होती है और घर बनने के साथ साथ घर की चेकिंग भी होती है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एक सिविल इंजीनियर को किस तरीके से स्लैब का स्टील बनने के बाद, यानी कि स्लैब ढलाई करने से पहले, कौन कौन से पॉइंट पर स्लैब को चेक करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक सिविल इंजीनियर को सबसे पहले मेन बार की डायरेक्शन चेक करनी चाहिए। यदि हम मेन बार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से स्लैब में स्टील जाल बनाया जाता है, और स्लैब जाल बनाते समय नीचे की जो स्टील होती है उसको हम मेन बार बोलते हैं, और मेन बार की जो डायरेक्शन है वो हमेशा शॉर्टर स्पान पर होनी चाहिए। शॉर्टर स्पान का मतलब, मान लीजिए शॉर्टर स्पान का मतलब, मान लीजिए ये हमारी स्लैब है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 50 फीट है। तो यहाँ पर मेन बार शॉर्टर स्पान की डायरेक्शन में, यानी कि 20 फीट वाली डायरेक्शन में सबसे पहले और सबसे नीचे कुछ इस तरीके से लगाई जाएगी। तो स्लैब की चेकिंग करते समय सबसे पहले आप यही चेक कीजिएगा कि स्लैब की जो मेन बार है वो शॉर्टर स्पान की डायरेक्शन में लगी है या फिर नहीं, यानी कि स्लैब की लंबाई जिस तरफ बहुत ही कम है उस तरफ लगी है या फिर नहीं। और इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि मेन बार हमेशा सबसे नीचे लगाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि स्लैब की ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से स्लैब का जाल बनाया जाता है, तो इस जाल में जो नीचे वाली स्टील है उसको हम मेन बार बोलेंगे और जो ऊपर वाली स्टील है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलेंगे। और आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि ये हमारा 20 फीट है और ये 40 फीट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस डायरेक्शन में हमारी मेन बार लगेगी। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टील को लगाते समय स्टील के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखा जाता है, तो एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, यह जानने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ड्राइंग में जाना होगा। तो ड्राइंग के स्लैब वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से Y8 200 या फिर Y10 150 या फिर Y10 100 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस Y8 200 का मतलब ये हुआ कि स्लैब में जो स्टील लगेगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो लगेगी, वो 8 mm की होगी, और इसके साथ साथ एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर होगी। तो इसी तरीके से आप ड्राइंग में पढ़ लीजिएगा। ड्राइंग में पढ़ने के बाद, भाई साहब टेप कहाँ गया यार, ये रहा। ड्राइंग में पढ़ने के बाद आपको टेप लेना है। टेप में आपको 200 mm यानी कि जितना भी, जैसे यहाँ पर 200 mm दिया गया था तो टेप में हम 200 पर टेप को लॉक कर लेंगे। जब भी आप साइट पर जाइएगा आप लॉक करने वाला टेप लीजिएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा 20 सेंटीमीटर यहाँ पर हो रहा है, तो थोड़ा सा आगे हम इसको लॉक कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लॉक हो गया है। अब लॉक करने के बाद सिंपली स्लैब में आपको 3-4 जगह पर एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की डिस्टेंस चेक करनी है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको स्लैब में कवर ब्लॉक चेक करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई करते समय यदि कवर ब्लॉक सही से नहीं लगाया जाएगा तो स्लैब के नीचे से कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया दिख सकती है। तो ऐसे में आपको थर्ड पॉइंट पर कवर ब्लॉक जरूर से ज़रूर चेक कर देना है। आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाया जाता है, और 1 मीटर पे कम से कम 4 कवर ब्लॉक लगना चाहिए, यानी कि 1 मीटर यहाँ से यहाँ, फिर 1 मीटर यहाँ से यहाँ, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कम से कम 4 से 5 कवर ब्लॉक जरूर से ज़रूर लगना चाहिए। और इसके साथ साथ जहाँ पर स्लैब हमारी एंड होती है उस बीम में भी आपको कवर ब्लॉक चेक करना है। बीम में 20 से 25 mm का कवर ब्लॉक लगता है, और स्लैब में जो है वो 15 mm यानी कि 15 mm से लेकर 20 mm के बीच कवर ब्लॉक लगता है, ठीक है। कवर ब्लॉक चेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब के ऊपर कुछ इस तरीके से कॉलम का सरिया निकला हुआ होता है, और इस कॉलम के सरिये में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिंग नहीं पहनाई गई है। यदि आप कॉलम के सरिये में रिंग नहीं पहलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई कंप्लीट होने के बाद कॉलम के स्टील के बीच की जो स्पेसिंग है वो बहुत ही कम हो जाएगी, जिससे आपका जो कॉलम है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्लैब ढलाई करने से पहले स्लैब के ऊपर कुछ इस तरीके से जो कॉलम दिख रहा है इसमें आप कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिंग पहना देंगे, और रिंग की हाइट आपको हमेशा जहां तक स्लैब की ढलाई होनी है उससे ऊपर रखनी है।
यदि आप इस तरीके से रिंग पहना देंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कॉलम के बीच की जो स्पेसिंग है वो कम नहीं होगी। और इसके साथ साथ आपको स्टील बार चेक करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस स्लैब में 10 mm की स्टील बार लगनी है, तो स्लैब के स्टील पर 10 लिखा होगा, ठीक है, तो 10 लिखा है तो 10 mm की। और इसके साथ साथ स्लैब बीम में भी आपको स्टील चेक करना है, क्योंकि स्लैब बीम में मिनिमम जो है वो 12 mm की स्टील लगाई जाती है। तो ड्राइंग में आप देख लीजिएगा कि भाई साहब ड्राइंग में स्लैब बीम में लगने वाली स्टील का जो डाया है वो कितना mm दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर 12 mm की स्टील लगनी थी तो यहाँ पर 12 mm की स्टील लगी हुई है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।